बेहद चौंकाने वाली खबर। लिंग निर्धारण वाले गुणसूत्रों पर रिसर्च से पता चला है कि वाई क्रोमोसोम विलुप्त हो रहा है। इससे दुनिया में पुरुष पैदा होने बंद हो जाएंगे। हालांकि इस प्रोसेस में लाखों वर्ष लग सकते हैं, लेकिन खबर से वैज्ञानिक चिंता में है। दरअसल एक महिला के गर्भ में पल रहे भ्रूण का लिंग क्या होगा, यानी वो लड़का होगा या लड़की होगी, ये उसके माता पिता के क्रोमोसोम पर निर्भर करता है। दरअसल महिलाओं के शरीर में दो एक्स क्रोमोसोम और पुरुष के शरीर में एक एक्स और एक वाई क्रोमोसोम होता है। महिला और पुरुष के डबल एक्स क्रोमोसोम मिलते हैं तो भ्रूण लड़की बनाता है, और जब एक्स वाई क्रोमोसोम मिलते हैं तब लड़का पैदा होता है। यानी कि लड़का पैदा होने के लिए वाई क्रोमोसोम का होना ज़रूरी होता है। अगर पुरुषों का वाई क्रोमोसोम खत्म हो जाए तो फिर लड़के पैदा ही नहीं होंगे, सिर्फ लड़कियां ही पैदा होंगी और फिर इंसान ही नहीं बचेंगे। साइंस अलर्ट की रिपोर्ट के मुताबिक ये खतरा जताया गया है, जो कहती है कि वाई क्रोमोसोम कम होते जा रहे हैं। रिसर्च के अनुसार इंसान का वाई गुणसूत्र घट रहा है और भविष्य पूरी तरह से गायब हो सकता है। अगर इंसान वाई के विकल्प के तौर पर एक नया जीन विकसित नहीं कर पाता है और वाई क्रोमोसोम का पतन जारी रहता है तो धरती से जीवन की ही खत्म हो सकता है। इस चौंकाने वाली खबर की मुख्य बात क्या है, इसे फिर से ग्राफिक के जरिए मैं आपको समझाना चाहता हूं। मनुष्य का लिंग निर्धारण करने वाले गुण सूत्रों पर रिसर्च किया गया है। पुरुषों के लिए जरूरी होता है वाई क्रोमोसोम, जो कि तेजी से कम हो रहा है। यह वैज्ञानिकों की रिसर्च में पता चला है। यह क्रोमोसोम कम होता आ रहा है और ये कम हो रहा है तो दुनिया में पुरुष आगे जाके नहीं रहेंगे। हालांकि इसमें कई लाख साल हो सकते हैं, लेकिन घबराइए मत। इस खबर में थोड़ी राहत वाली बात यह है कि वाई क्रोमोसोम घटने की चिंता के बीच वैज्ञानिकों को चूहे के दो ऐसे वंशों ने राहत दी है जो वाई क्रोमोसोम खोने के बाद भी जीवित हैं। पूर्वी यूरोप और जापान के चूहों में ऐसी प्रजाति है जिनके गुणसूत्र और SRY पूरी तरह से गायब हो गए हैं। ऐसी नस्लों में एक्स गुणसूत्र दोनों लिंगों के लिए भी काम करता है। उभयलिंगी, आपने पढ़ा भी होगा, और ये बड़ी चिंता की बात है। लेकिन बावजूद इसके एक बड़ी रिसर्च है, वैज्ञानिकों ने बड़ी रिसर्च की है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो घट रही हैं ज़िंदगी की आपाधापी में, शायद कभी उस पर गौर नहीं करते, लेकिन वैज्ञानिक अपना काम कर रहे हैं, इसलिए ये आपके लिए महत्वपूर्ण। आगे बढ़ते हैं। एक और बात, अक्सर हम जिंदगी से परेशान हो जाते हैं,